हेलो एंड वेलकम एवरीवन आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में जो कि है रोल ऑफ एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स इन डिजीज़ डेवलपमेंट यानी कि किसी भी डिजीज़ के डेवलपमेंट में एंजाइम्स और टॉक्सिन किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करनी है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें बहुत ज़्यादा डीप में इसकी स्टडी नहीं करनी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसकी बहुत बेसिक सी स्टडी करेंगे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ एंजाइम्स इन डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एंजाइम्स का किसी भी डिजीज़ को डेवलप करने में क्या योगदान होता है जो पैथोजन है उसके द्वारा डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स या फिर हम बोल सकते हैं सब्सटेंसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनका डिजीज़ के डेवलपमेंट में अपना अलग अलग योगदान होता है वो पैथोजन डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे कि वो एंजाइम्स हो सकते हैं टॉक्सिन्स हो सकते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स हो सकते हैं या फिर कोई भी पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं पर हमें इसमें सिर्फ एंजाइम्स और टॉक्सेंस की स्टडी करनी है कि ये किस टाइप से किसी भी डिजीज़ के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं एंजाइम्स जो हैं वो तीन टाइप के हो सकते हैं जो कि पर्टिकुलर पैथोजन के द्वारा होस्ट सेल में प्रोड्यूस किए जाएंगे जो हैं क्यूटिनेस पैक्टिनेस और सेलुलज ये जनरली या कॉमन टाइप के एंजाइम्स हैं जो कि पैथोजन के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं होस्ट सेल में क्यूटिनेस क्या काम करेगा क्यूटीन के मोलिक्यूल्स या फिर क्यूटिकल को डिग्रेड करने का काम करता है जिससे पैथोजन की एंट्री ईजी हो जाए अब एंजाइम्स जो हैं उनको क्या ज़रूरत है किसी भी होस्ट सेल के किसी भी कंपोनेंट को डिग्रेड करने की या स्मूथ करने की तो जो मेन पर्पस होता है पैथोजन के द्वारा जो भी मॉलिक्यूल्स रिलीज किए जाते हैं उनका मेन जो टारगेट होता है वो है कि होस्ट में एंट्री को इजी बनाया जा सके होस्ट को ससेप्टिबल बनाया जा सके और इसके अलावा किस टाइप से पैथोजन जो है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को सिक्रिएट करके अपना जो फूड मटेरियल है वो प्लांट से प्राप्त कर सकता है

जो होस्ट सेल cell का सेलुलोज वाला कॉम्पोनेंट है उसके ऊपर वर्क करेगा उसे डिग्रेड करेगा एंड फिर वहाँ से फूड और न्यूट्रिएंट्स को ऑप्टेन करेगा सेलुलो Cellulo, सेलुलोज uh, के अगेंस्ट पैथोजन के द्वारा सेलुलोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट किए जाएंगे जो कि जो सेलोल का मटेरियल है उसको सॉफ्ट करने में और डिसइंटीग्रेट करने में हेल्प करेंगे अब क्यूटीन प्लांट में होती है पैक्टीन प्लांट में होती है और सेलुलोज प्लांट में होता है तो क्यूटीन के अगेंस्ट पैथोजन के द्वारा जो एंजाइम प्रोड्यूस किया जाएगा वो होगा क्यूटिनेजेस पैक्टीन के अगेंस्ट जो एंजाइम प्रोड्यूस किया जाएगा वो तीन टाइप के हो सकते हैं मिथाइल पैक्टीन मिथाइलेस्टेरिज पैक्टिनेजेज एंड पैक्टिनलाइजेज इसके अलावा जो प्लांट में सेल्यूल होता है उसके अगेंस्ट पैथोजन के द्वारा सेलुलोलाइटिक एंजाइम्स को सीक्रेट किया जाएगा जो कि जो सेलवोल है उसको सॉफ्ट करने में और डिसइंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा एंजाइम्स इन प्लांट डिजीजेज एंजाइम्स क्या होते हैं मेनली ये लार्ज प्रोटीन मोलिक्यूल्स होते हैं जो कि किसी भी लिविंग सेल में डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको कैटेलाइज करने का काम करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं उनको इंक्रीज करने का काम करते हैं प्लांट डिजीजेज को कॉज करने में भी या उनको इन्फ्लुंस करने में एंजाइम्स का रोल होता है ये सबसे पहले एंटोन डी बेरी साइंटिस्ट ने बताया था एंजाइम्स का रोल और टॉक्सिन्स का रोल जिसे कि सबसे पहले स्क्लेरोटोनिया स्किलेरोटोरियम में स्टडी किया गया था एंडोन डी बेरी के द्वारा प्लांट में डिफरेंट टाइप के कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं जैसे कि वो क्यूटीन हो सकता है सेल वॉल, मिडल लेमिला पेक्टिन सब्सटेंसेस सेलुलोज स्टार्च लिपिड ये सारे टाइप के जो कंपोनेंट्स या बायोमोलिक्यूल्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उनको डिग्रेड करने के लिए पैथोजन के द्वारा अलग अलग, अलग एंजाइम्स को प्रोड्यूस किया जाता है जिससे पैथोजन की एंट्री इजीली हो जाए और न्यूट्रेंट इजीली कर सके फॉर एग्जांपल हम इसे शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करें तो प्लांट में एक बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होता है क्यूटिकुलर वैक्स जिसे कि वैक्स डिग्रेटिंग एंजाइम्स के द्वारा डिग्रेड कर दिया जाता है और जनरली ये पक्सीनिया होर्डी नाम के पैथोजन के द्वारा एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है अब डिफरेंट डिफरेंट जो पैथोजेंस होंगे उनके द्वारा ऐसा नहीं है कि हर पैथोजन के द्वारा सेम टाइप के ही एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाएंगे क्योंकि हर टाइप का जो पैथोजन है उसके होस्ट भी तो सेम नहीं है उनके होस्ट अलग अलग हैं तो इन्फेक्शन करने की प्रोसेस में भी थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है और जो एंजाइम्स उनके द्वारा रिलीज किए जाएंगे वो भी अलग अलग हो सकते हैं नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है क्यूटीन जिसको डिग्रेड करने के लिए पैथोजन के द्वारा क्यूटीनेजेज एंजाइम्स को सीक्रेट किया जाएगा जैसे कि एग्जाम्पल फ्यूजेरियम और पैनिसलियम के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं ये एंजाइम्स नेक्स्ट है प्लांट के बायोमोलिक्यूल में पैक्टीन सब्सटांसेज जिसको डिग्रेड करने के लिए प्लांट में पैक्टिनेजेज या पैक्टिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे जो पैक्टिन सब्सटांसेज को डिग्रेड करेंगे जैसे कि मोनीलिना टाइप के फंगस में ये प्रोड्यूस होता है पैथोजन में नेक्स्ट प्लांट का बायोमोलिक्यूल है सेल्युलेस सेलुलोज जिसको डिग्रेड करने के लिए पैथोजन के द्वारा सेल्युलेजेज एंजाइम प्रोड्यूस किया जाएगा जिसका एग्जाम्पल है जनरली राइजोक्टोनिया सोलानी इसके अलावा कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे हेमी सेलुलोज जिसके लिए हेम्यू सेल्यूलेस प्रोड्यूस किया जाएगा लिग्निन जिसके लिए लिग् नेजेज एनजाइम जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा पर्टिकुलर पैथोजन के द्वारा इसके अलावा प्रोटीन स्टार्च और लिपिड्स भी जो प्लांट है पर्टिकुलर उसमें प्रोड्यूस होते हैं प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए पैथोजन के द्वारा प्रोटीजेज एंजाइम स्टार्च के लिए एमाइलेजेज और लिपिड के द्वारा लाइपेजेज एंजाइम्स को आ, सीक्रेट किया जाता है जो लाइपेजेज एंजाइम है वो जनरली स्क्लेरोशियम और बोटराइटिस जो पैथोजन है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है अब हम डिस्कस करते हैं कि टॉक्सिन्स का क्या रोल है पैथोजन के डिजीज के डेवलपमेंट में जिस टाइप से डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट प्लांट के बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर अटैक करके एंट्री को इजी बना देते हैं और पैथोजन की लाइफ साइकिल को और ज्यादा इजी बना देते हैं उसी टाइप से डिफरेंट टॉक्सिन जो कि पैथोजन की के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका क्या रोल होता है किसी भी डिजीज के डेवलपमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉक्सिन एक्चुअल में होता क्या है टॉक्सिन कोई भी माइक्रोबियल मेटाबोलाइट होता है जो कि एक लाइज या फिर एंडोटॉक्सिन सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और ये बहुत ही कम कंसंट्रेशन में भी जो होस्ट की सेल है उसके लिए टॉक्सिक का काम करता है या फिर अगर पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो हम बोल सकते हैं कि टॉक्सिन पैथोजन के द्वारा जो प्रोड्यूस किए जाने वाला प्रोडक्ट है वही टॉक्सिन है जो कि बहुत कम कंसेंट्रेशन पर भी प्लांट या होस्ट के प्रोटोप्लास्ट के साथ आ, रिएक्ट करके डिजीज के डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है अब हम देखते हैं कि जो एंजाइम्स का डिस्कशन हम करके आए हैं और टॉक्सिन दोनों में क्या डिफरेंस है जनरली टसिनस जो हैं वो होस्ट के प्रोटोप्लास्ट के साथ में रिएक्ट करते हैं या प्रोटोप्लास्ट को अफेक्ट करते हैं जबकि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटोप्लास्ट को अफेक्ट नहीं करते वो जनरली सेल वोल के डिसेंट सेल वॉल का डिसंटीग्रेशन करते हैं तो जो टॉक्सिन और एंजाइम में मेन डिफरेंस है वो यही है दोनों ही माइक्रोबियल है लेकिन जो दोनों में मेन डिफरेंस है वो है कि टॉक्सिन जो है वो प्रोटोप्लास्ट के ऊपर प्रोटोप्लास्ट को अफेक्ट करते हैं जबकि एंजाइम्स जो है वो सेल वॉल को डिसइंटीग्रेट करते हैं इसके अलावा टॉक्सिन जो होते हैं वो लो मोलिकूल लो मोलिकुलर वेट वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट की सेल में मूवेबल होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं और बहुत कम मोलिकुलर वेट वाले होते हैं इसीलिए इजीली ट्रांसपोर्टेबल भी होते हैं अब डिफरेंट टाइप के टॉक्सिनस को टॉक्सिन कहने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक टॉक्सिन के द्वारा वो सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस किए जाने चाहिए जो एक डिजीज़ के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं टॉक्सिन की सेंसिटिविटी जो है वो पैथोजन की सेसेप्टिबिलिटी के साथ डायरेक्टली कोरिलेट होना चाहिए यानी कि जितना टॉक्सिन के लिए सेंसिटिविटी होगी उतना ही पैथोजन सेसेप्टेबल होगा और टॉक्सिन जिस मात्रा में प्रोड्यूस किया जाएगा पैथोजन के द्वारा उतनी ही ज्यादा पैथोजन की डिजीज कोच करने की एबिलिटी होनी चाहिए यानी कि उतनी ही ज्यादा पैथोजन की पैथोजेनेसिटी होनी चाहिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स ये आपको ध्यान में रखना है कि टॉक्सिन्स के जनरली तीन टाइप बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ ओरिजन और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ द सोर्स ऑफ द ओरिजन टॉक्सिन्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस फर्स्ट है पैथोटॉक्सिन सेकेंड or है फाइटोटॉक्सिन एंड थर्ड है वीवोटॉक्सिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैथोटॉक्सिन क्या होते हैं पैथोटॉक्सिन्स ऐसे टॉक्सिन जो कि किसी भी डिजीज के डेवलपमेंट में डायरेक्टली एक मेजर रोल प्ले करते हैं और सारे जो डिजीज के सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स उस पर्टिकुलर टॉक्सिन के रिलीज होने से सारे सिम्टम्स जो है वो सेसेप्टिबल प्लांट में अपीयर होंगे फॉर एग्जाम्पल विक्टोरियन टाइप का जो टॉक्सिन है वो कोकलीओबोलस जिसे कि अभी हेलमेंथोस्पोरियम बोला जाता है कोकलीओबोलस विक्टोरी के द्वारा रिलीज किया जाता है जो कि कोजल एजेंट है विक्टोरिया ब्लाइट ऑफ ओट और ये एक होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है नेक्स्ट है फाइटोटॉक्सिन फाइटोटॉक्सिन जनरली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि होस्ट प्लांट में पैथोजन के द्वारा रिलीज किए जाते हैं लेकिन ये तब रिलीज होंगे जब होस्ट पैथोजन इंट्रेक्शन चल रही होगी अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइटोटॉक्सिन भी पैथोजन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनसे भी डिजीज के सिम्टम जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे और पैथोटोक्सिन जो हैं वो भी पैथोजन के द्वारा ही रिलीज किए जाते हैं और उससे भी डिजीज़ के सिम्टम्स जो होंगे पर दोनों में मेन डिफरेंस क्या है पैथोटॉक्सिनस और फाइटोटॉक्सिन्स आपस में अलग कैसे हैं तो जो पैथोटॉक्सिन हैं उनमें डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है टॉक्सिन के बीच में और पैथोजेनेसिटी के बीच में यानी कि जितना ज़्यादा टॉक्सिन प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा पैथोजन की पैथोजेनेसिटी होगी जबकि फाइटोटॉक्सिन्स में टॉक्सिन और पैथोजेन, की पैथोजे के बीच में कोई भी डायरेक्ट को रिले जो रिलेशनशिप है वो नहीं होता इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है कि कितना टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा तो के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा तो दोनों में ये जो है ये मेन डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है इसका एग्जाम्पल है जैसे अल्टरनेरिक एसिड और पीरिकुलेरिन नेक्स्ट है विवो टॉक्सिन जिसके बारे में सबसे पहले सदासिवन जी ने बताया था विवो टॉक्सिन्स क्या होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इन्फेक्टेड होस्ट में पैथोजन के द्वारा रिलीज किए जाएंगे लेकिन ये जो हैं, ये खुद डिजीज़ को इनिशिएट नहीं करेंगे खुद डिजीज को इनकाइट नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल फ्यूजेरिक एसिड जो कि विल्ट कोज करता है फ्यूजेरियम स्पीसीज टॉक्सिन्स जो हैं, वो जनरली हमने डिस्कस किया था कि लो मोलिकुलर वेट वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें टॉक्सिन बोलते हैं जो इजीली ट्रांसपोर्टेबल होते हैं क्योंकि ये लो मोलिकुलर वेट के होते हैं जो टॉक्सिन हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं फर्स्ट होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन और सेकेंड होस्ट नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन यानी कि ऐसे टॉक्सिन जो किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए जो रिलीज किए जाएंगे उन्हें बोला जाएगा होस्ट स्पेसिफिक और ऐसे टॉक्सिन जो कि रिलीज करने के बाद किसी भी रिलेटेड वेराइटी या किसी भी रिलेटेड स्पीसीज किसी भी रिलेटेड होस्ट के ऊपर को इन्फेक्ट करें तो उन्हें हम बोलेंगे होस्ट नॉन स्पेसिफिक जैसे आपको होस्ट स्पेसिफिक में सिर्फ नाम ध्यान में रखना है जैसे एच वी टॉक्सिन एच सी टॉक्सिन टी टॉक्सिन इसके अलावा होस्ट नॉन स्पेसिफिक में आपको ध्यान रखना है टैबोटॉक्सोमोन सीरिजे इसके अलावा टेन टॉक्सिन फ्यूजेरिक एसिड ये सारे जो हैं ये होस्ट नॉन स्पेसिफिक टाइप के टॉक्सि में कंसिडर किए जाते हैं जिस टाइप से हमने देखा था कि एंजाइम्स जो हैं वो किस टाइप से होस्ट सेल को कोफेक्ट करते हैं उसी टाइप से टॉक्सिन्स का होस्ट टिश्यूज़ के ऊपर क्या रोल होता है जिससे कि वो प्लांट की सेल को किल कर देते हैं या फिर पैथोजन के लिए बेनिफिशियल होते हैं फर्स्ट है वो सेल वॉल की परमेबिलिटी को चेंज कर देते हैं यानी कि टॉक्सिन्स जो हैं वो प्लांट्स को किल कर देते हैं और परमेबिलिटी को चेंज करने के कारण जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है और ये अनरे एंट्री दे देते हैं डिफरेंट अनवांटेड सब्सटेंसेस को जिससे कि बाहर से अनवांटेड सब्सटेंसेस भी हैं वो होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं जैसे कि टॉक्सिनस वगैरह इसके अलावा ये जो सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जैसे हाइड्रोजन और पोटेशियम एक्सचेंज इसको भी अफेक्ट करते हैं इसके अलावा टॉक्सिन जो हैं वो डिफरेंट होस्ट सेल में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं जैसे कि जैसे ही टॉक्सिन जो हैं वो होस्ट सेल के कॉन्टेक्ट में आएंगे या होस्ट सेल पे इफेक्ट डालेंगे तो रेस्पिरेशन रेट जो है होस्ट सेल की वो इंक्रीज हो जाएगी और एंजाइम सिस्टम जो है वो माल फंक्शनिंग हो जाएगा इसके अलावा कुछ अदर मैकेनिज्म भी होंगी जैसे कि ग्रोथ रेगुलेटरी सिस्टम के ऊपर प्रभाव पड़ेगा होस्ट प्लांट के और दूसरा कुछ टॉक्सिन ऐसे होते हैं जो कि रूट की ग्रोथ को भी इनहिबिट कर देते हैं ये सारा था टॉक्सिन्स का रोल किसी भी डिजीज़ के डेवलपमेंट में कि वो होस्ट टिश्यूज़ को या होस्ट सेल को किस टाइप से अफेक्ट करता है किस टाइप से इन्फ्लुएंस करता है इसके अलावा कुछ एल्केलोइ्स वगैरह जिसका नाम आपने सुना होगा अर्गट एल्कलोइड एफ्ला या सर्कोस्पोरा जैसे जो टॉक्सिन हैं उनको भी हम टॉक्सिनस में कंसिडर करते हैं जो कि किसी भी डिजीज़ के डेवलपमेंट में अपना एक रोल प्ले करते हैं होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा फिर भी इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं थैंक यू